नमस्कार, मैं प्रेम वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैं प्रेम वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी सीएचएसएल 2021-22 24 मई सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो इस शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उनको आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्लास है वो एसएससी सीएचएसएल 2022-23 का जिन बच्चों का टारगेट है उनके लिए तो हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एसएससी इधर उधर करती रहती है। तो आप सभी को इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखना है और यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैं अलग अप्रोच आपको सिखाऊंगा जो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। तो इस क्लास से बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं और एक यूनिक मेथड आप यहां से सीख के जाने वाले हैं। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया गया है कि दी गई तालिका 2019-2014 के लोकसभा चुनाव के विभिन्न दलों के परिणाम को दर्शाती है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे आप समझ सकते हो 2019 का परिणाम है, 2014 का परिणाम है। ठीक है, 2019 में कांता दल, 2014 में कान पार्टी और 2019 में सिर्फ पार्टी के परिणाम, 2014 में एजीपी के परिणाम से कंपेरिजन किससे करना है, 2014 में एजीपी के परिणाम से। तो जिससे कंपेरिजन करेंगे वो चीज हमेशा नीचे आएगी। तो एजीपी को कितने भाई वोट मिले 2014 में, 282, तो ये तो नीचे आ जाएगा। फिर ऊपर क्या क्या आएगा, 2019 में कांता दल को कितना वोट मिला भाई, 2019 में 16 वोट मिला। ठीक है, उसके अलावा 2014 में कान पार्टी को कितना मिला, 2014 में कान पार्टी को कितना मिला भाई, 43 मिला, तो प्लस 43। उसके अलावा 2019 में सिर्फ पार्टी को कितना वोट मिला, 18, तो जोड़ लो भाई 18 और 16 कितना हुआ आपका, 18 16 कितना हुआ, 34 34, और 43 कितना हुआ, 77। तो 77/282 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, आप लोग देख पा रहे होंगे चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में रवि कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त करता है, यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी और 25% मत अवैध थे तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत मिले। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो वैध मत पूछ रहा है, टोटल वोट कितने थे, 6000 जो थे वो टोटल मत थे। ठीक है, उसमें से 25% अवैध हो गए, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि अगर 25% अवैध हो गए तो बच्चे कितने, 75%, और जो एक बंदा है तो ये टोटल हमने निकाल लिए वैध मत। ठीक है, अब जो रवि है उसको 65% मिलते हैं तो ये हमारे लिए 100% होंगे, तो जो अगला बंदा होगा सुशील जो है उसको कितने मिले होंगे, 35% वोट, तो इसका 35% निकाल लो, तो सुशील के वोटों की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फिर 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 5 7 35 और 5 2 10 होगा, यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 3 6, अब देखो 75 2 कितना हुआ, 150, और 150 यहाँ पे 75, हाँ 75 3 होगा, 75 3 कितना हुआ, 225 225 और 7 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, देखो 25 7 175 और 7 2 14 यानी कि 1575 आएगा। ठीक है, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप दूसरे तरीके से भी ऐसे कर सकते थे, जैसे मैंने ये तो यहाँ पे आपको बता दिया डायरेक्ट लगाने का तरीका, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप क्या करो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, देखो 25% मत अवैध हो गए तो अब ये निकालो कि वैलिड वोट कितने बचे, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 में से 1 वोट जो है वो इनवैलिड हो गया, तो बचे कितने, 3/4 शुद्ध वोट बचे, तो 6000 का 3/4 कितना होगा भाई, यहाँ से निकाल लो 15 3 45, यानी कि 4500 जो है वो वैध मत है, तो ये हमारे लिए 100% होंगे। अब एक बंदे को 65% अगर मिल रहा है तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 35%, क्योंकि ये कुल मिला के 100% होंगे। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसका 35% निकाल दो, 4500 का 35% निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 20 से 20 कैंसिल हुआ, अगर 5 के 2 मल्टीपल के बीच में डिफरेंस 10 का है तो लास्ट में आएगा 75, जो दहाई वाला बड़ा अंक है उसमें 1 जोड़ो और दूसरे वाले दहाई अंक से गुणा कर दो, तो 4 और 1 5 5 3 कितना हुआ, 15, यानी कि 1575, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे।
अगला क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का है, दिया हुआ है एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर है तो इसे धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे अधिक समय लगता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। आपको दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि समान दूरी तय करता है, धारा की दिशा में भी समान दूरी तय करता है और विपरीत दिशा में भी दूरी तय करता है समान। तो आपको ये तो पता कर सकते हो यहाँ से कि धारा की दिशा में चाल क्या होगी, इनको जोड़ देंगे 5 + 2.5 यानी कि 7.5 होगी, और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी घटा दो 2.5 होगी। तो किसी जुगाड़ से अगर हमें ये पता चल जाए कि समान जाने में टाइम कितना लगता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। और अगर हमें ये पता चल जाए विपरीत जाने में कितना समय लगता है तो भी हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस क्या होगी। तो उसे निकालने के लिए हिंट दिया हुआ है। अब अगर दूरी कांस्टेंट है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है। अगर दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, अगर चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो चाल है यानी कि स्पीड है उसका रेशियो कितना आएगा, 3:1 आएगा, 25 × 75। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:3 का होगा। अगर इसे 1 सेकेंड या 1 यूनिट टाइम लगता है तो इसे 3 यूनिट टाइम लगता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 4। तो यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमें हिंट मिल रहा है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 के बराबर, तो यहाँ पे एक्चुअल टाइम कितना लगेगा 2 घंटे, और यहाँ पे एक्चुअल टाइम कितना लगेगा 6 घंटे। आप डिस्टेंस इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो, 25 × 150 यानी कि 15 डिस्टेंस यहाँ से भी आएगी, और 7.5 × 2 करोगे तब भी आएगी आपकी 15 किलोमीटर। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल है, दिया हुआ है यदि एक बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πRH होता है, सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन है। तो 2π की वैल्यू कितनी है 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 4 और एच की वैल्यू कितनी है 5। तो 4 × 5 = 20, 20 × 2 कितना हुआ 40। तो 40 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 31.4 इधर आएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 × 6 = 16, 4 × 1 = 4 और 1 = 5, 4 × 3 = 12 यानी कि 125.6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आप ये क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है, थोड़ा सा इन्हें पैनी निगाह से सॉल्व करिए, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये बार ब्रैकेट है, जब छोटा ब्रैकेट हम यूज कर चुके होते हैं तब इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। देखो अगर हम ब्रैकेट खोले तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, प्लस का पी, क्योंकि माइनस से अगर गुणा करेंगे तो माइनस का क्यू होगा और प्लस का पी होगा, और पी यहाँ पे पी माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू प्लस पी, तो 2p - q यहाँ पे हुआ और फिर 3p, और फिर यहाँ पे माइनस अगर यूज करेंगे तो माइनस का 2p हो जाएगा और आपका माइनस का क्यू होगा। तो यहाँ पे क्या बचा, नहीं यहाँ पे प्लस का हो जाएगा क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पी प्लस क्यू हो गया। अब ये भी आपका माइनस का पी प्लस क्यू है और ये भी यहाँ पे माइनस का पी प्लस क्यू है, इसका मतलब है माइनस का 2p + q हो गया, ठीक है। तो माइनस का 2p - 2q हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर उसमें से 3p यहाँ पे ये वाला नोट कर लिया हमने, तो 3p में से अगर 2p जाएगा तो p - 2q हुआ। अब फिर अगर माइनस, अगर यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो 3p - p और प्लस का 2q हो जाएगा, यानी कि 2p + 2q आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसे बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करने की जरूरत है, बाकी आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उस कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए टाइम एंड वर्क में आपका जो वर्क होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर किसी से भी काम करवाना है तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक टोटल वर्क और दूसरा कैपेसिटी, आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, ए अकेला उस काम को 18 दिन में करता है। तो हमने मान लिया कि इसका एलसीएम क्या होगा, 36। अब एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो इससे भी कट जाती है, इससे भी कट जाती है, ठीक है। और यही क्या होगा,
ये निश्चित वर्क होगा, क्योंकि वर्क टाइम एंड वर्क में वर्क कांस्टेंट होता है, और वर्क कांस्टेंट होने की वजह से कैपेसिटी और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इस बात को ध्यान रखो। तो 12 3 36 और 18 2 36, यानी कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 लड्डू बनाते हैं और ए 2 लड्डू बनाता है, इसका मतलब बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है। तो पूरे के पूरे 36 लड्डू बनाने में इसे कितना टाइम लगेगा? 36 दिन लगेंगे, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ग्राफ का है, यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन, 2002 की तुलना में, तो कंपेयर किससे करना है, 2002 से, 2002 की तुलना में 2003 में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो 2002 में भाई इससे कंपेयर करनी है तो ये चीज नीचे आएगी, तो 2002 की कंपेयर में 2003 में कितनी वृद्धि हुई, देखो 150 से 200 हो गया, यानी कि 150 की 50 की वृद्धि हुई, तो इसका परसेंट निकालना। तो 50 3 कितना होता है 150, 100/3 मतलब कितना जाएगा 33.1/3%। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 66 है, कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो 50 टोटल विद्यार्थी हैं, 40% लड़कियां हैं, तो गर्ल्स लिख लेते हैं, बॉयज लिख लेते हैं। गर्ल्स कितनी है 40%, यानी कि 50 का 40% कितना हुआ 20, तो लड़के कितने हैं 30, टोटल कितने हैं 50। क्लियर? अब दिया हुआ है यहाँ पे कि टोटल का जो एवरेज है वो कितना है 66 है। दिया हुआ है यहाँ पे हिंट के लिए हमें कि लड़कियों की तुलना में, लड़कों का औसत लड़कियों की तुलना में 20% कम है, तो कंपेयर किससे की गई है, लड़कियों से। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी कि लड़कियों का अगर औसत 5 है तो लड़कों का उससे एक कम यानी कि 4 है, यानी कि लड़कियों का अगर औसत जो है 5:5 है तो लड़कों का जो औसत है वो कितना है 4:4 है। हमें ये बताना है कि लड़कियों का जो औसत है वो क्या होगा, तो हम 1:1 की वैल्यू किसी जुगाड़ से निकाल लें, तो लड़कियों का अगर हमें औसत बताना है तो 5:1 की वैल्यू बता देंगे और लड़कों का बताना है तो 4:1 की बताएंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, भाई देखो यहाँ पे अगर हम सम निकालें तो हमें ये पता है इनकी संख्या पता है और इनका औसत पता है, तो सम क्या होगा इसका, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 100 यहाँ पे होगा और यहाँ पे कितना हुआ 120 हुआ और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3300 हो जाएगा। ठीक है, तो 220:1 की वैल्यू 3300 के बराबर हुई, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 11 2 22, 11 3 33 और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, यानी कि 1:1 की वैल्यू कितनी आई 15, तो 5:1 की वैल्यू कितनी होगी 5 × 15 यानी कि 75, अगर लड़कों का बताना है तो 15 × 60, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन तो मौखिक आप सॉल्व कर सकते हो, इसे कुछ करना ही नहीं, इसमें एक घन का आयतन कितना है 27 है, तो अगर घन की भुजा a है तो उसका आयतन a क्यूब होता है और उसकी वैल्यू 27 है, तो a का मान कितना होगा 3, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, यानी कि 6 और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 का वर्ग 9, तो 9 × 6 कितना हुआ 54, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसमें 870 ग्राम के वजन में 1 किलोग्राम दिखाई देता है, उसका शुद्ध लाभ कितना होगा? तो समझो आप इसे, देखो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने दिमाग लगाया, 1000 ग्राम पर 30% अधिक अंकित कर दिया, तो 30% का मतलब इसका 130% कर दिया, तो कितना हो जाएगा इसका 130% मतलब 1300 ग्राम, 1000 ग्राम को कितना बना दिया 1300 ग्राम, और फिर इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि इसे कितने में बेच दिया 90% में, तो कितना हो जाएगा 13 × 117, यानी कि इसे 1170 ग्राम में 1000 ग्राम की चीज़ को 1170 ग्राम में बेच देता है, और देता कितना है अपनी जेब से कितना देता है 870 ग्राम का बांट यूज़ करता है, यानी कि इसे 1000 के बदले देना कितना पड़ता है एक्चुअल में 870 ग्राम, और इसे पैसे कितने के मिलते हैं 1170 ग्राम के, तो कितने का फायदा हुआ इसे 300 ग्राम का हुआ, तो फायदा किस पे होता है हमेशा सीपी पे होता है, तो ये जो 300 ग्राम का फायदा हुआ वो 870 ग्राम पे हुआ, तो 100 पे कितना होगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे तो कितना हुआ 29 1000/29, तो 29 3 होता है आपका 87, कितना बचा आपका 13 और 29 चक्कू कितना होता है 116, तो 34 पॉइंट कुछ आएगा, तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे
दिया हुआ है कि सोबित दो प्रकार की चीनी खरीदता है, पहले प्रकार 45 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा प्रकार 80 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर। सोबित को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी के प्रत्येक किलोग्राम 72 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। तो कोई यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो अनुपात निकालने के लिए हमेशा एलिगेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन एलिगेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सीपी पे एलिगेशन लगा रहे हो तो जितने भी वैल्यू हैं वो सीपी ही होने चाहिए, अगर आप एसपी पे लगा रहे हो तो जितने वैल्यू हैं वो एसपी होने चाहिए, अगर एमआरपी पे लगा रहे हो तो सारे के सारे वैल्यू जो हैं वो एमआरपी होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, उस चीज़ को जब आप समझोगे, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज इसमें आप गलती कर सकते हो। देखो पहला तो हमें दिया है कि 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पहली प्रकार की खरीदता है, यानी कि ये भी सीपी दिया है। दूसरी प्रकार की चीनी 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, ये भी सीपी दिया हुआ है। तो इसका मतलब है जो बीच वाला वैल्यू है वो भी हमें सीपी चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है 72 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का फायदा होता है, यानी कि एसपी दिया हुआ है। तो इसको पहले सीपी में कन्वर्ट करेंगे फिर एलिगेशन लगाएंगे तो वहाँ से रेशियो आएगा। तो 20% का फायदा होता है, इसका मतलब 120% की वैल्यू 72 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई 72/120, तो ये 1% की वैल्यू, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 और 5×72 यानी कितना आ गया 60। अब एलिगेशन लगा दो, 80 में से 60 गया तो कितना बचा 20, और 60 में से 15 गया, 60 में से 45 गया तो कितना बचा 15, 5 से काटेंगे 5×20, 5×3=15, यानी कि इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा 4:3 होगा। तो समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मौखिक है, आप मौखिक कर सकते हो। आप प्रॉपर्टी याद रखो कि सिर्फ आपका कॉस माइनस का जो थीटा है वो सिर्फ आपका कॉस थीटा होता है, तो कॉस अगर कॉस के लिए सही है तो सेक के लिए भी सही है, यानी कि सेक माइनस का थीटा जो है वो भी सेक थीटा होता है, बाकी जितनी प्रॉपर्टी है माइनस के साथ माइनस ही देती हैं। तो साइन माइनस से बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन है, ठीक है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको दिमाग से सॉल्व करने की जरूरत है धैर्य के साथ। तो यहाँ पे देखो, एक को 3 से भाग करेंगे तो 1/3 आएगा, प्लस यहाँ पे 1 प्लस करना है तो यहाँ पे 3×1=3 कितना हुआ 4/3, फिर यहाँ पे भाग का निशान है तो भाग को अगर गुणा में चेंज करना है तो अंश और हर को पलट दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4+1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/4। तो अब फिर यहाँ पे डिवाइड का निशान दिया है तो इसे गुणे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 4/7+1, तो यहाँ पे कितना हुआ 11/7, और फिर यहाँ पे डिवाइड है इसको गुणा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे पलट देंगे इसे 7/11 कर देंगे, तो 11 से 11 कैंसिल हो गया यानी कितना जाएगा आपका 7 आएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है, व अपने ग्राहकों को 21% की छूट प्रदान करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हो, मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। देखो एक तो तरीका क्या है, मान लेते हैं कि 100% में उसने खरीदा या 100 रुपये में खरीदा, 45% अधिक मूल्य अंकित किया यानी कि इसका MRP कितना बना दिया 145, और फिर इस पर 21% की छूट दे दी यानी कितने का बेचा 79/100 में बेचा। तो इसको सॉल्व करके आप निकाल लोगे, जैसे मान लेते हैं 115 आया, ठीक है, तो 100 की चीज़ पे 115 की बेची तो 15% का फायदा हो गया। एक तो ये तरीका है लगाने का। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 145 को 79 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम ये जुगाड़ लगा सकते हैं, देखो कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि वो पहले प्राइस को 45% बढ़ाता है और फिर 21% की छूट देता है, यानी कि 21% फिर उसने छोड़ दिया। तो अगर किसी चीज़ में वृद्धि होती कमी होती है तो टोटल वृद्धि या कमी आपको बतानी है, तो वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, M1+M2+M1×M2/100, ये वाला लगा सकते हैं। तो ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 45×21/100। अब देखो लगाने का जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूँ, 45 से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 24। अब इसे आप ऐसे समझो कि अगर इसका 1/10 यहाँ पे पॉइंट के रूप में यूज़ कर लें और इसका 1/10 यहाँ पे पॉइंट के रूप में यूज़ कर लें तो ये 4.5 को 2 से अगर गुणा करें तो लगभग 9 आएगा क्योंकि 2.1 है, तो हमने उसे 2 मान लिया, तो 24 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 15 बचेगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल है,
दिया हुआ है कि एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करें जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 πr³ होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैल्यू रख दो पाई और आर क्यू, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27, तो 3 × 27 यानी कि 18 πr हो जाएगा आपका। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले क्या करो कि वैल्यू पुट से करो क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी बराबर 12 दिया है और ए बी बराबर कितना दिया है आपका 35 दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखो 35 के अगर फैक्टर करें तो 5 × 7 लिख सकते हैं, यानी कि अब देखो ये सेटिस्फाई इसमें कर रहा नहीं कर रहा है, 7 × 5 = 12 बिल्कुल। इसका मतलब a बराबर 5 हो गया, b बराबर 7 हो गया। आप किसी को 7 या 5 ले सकते हो, तो इसकी वैल्यू निकाल दो आप। a का अगर पावर 4 करेंगे यानी कि 5 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 4 और −10³, ठीक है। तो 5 की पावर 4 मतलब 25 × 25 = 125 × 625 और 7³ मतलब 7 × 7 = 349 और 343 कितना हो जाएगा आपका 2401 होगा, −1000। तो 1000 जो 2401 में से घटाएंगे तो 1401 बचेगा और उसमें 625 आपको छोड़ना है, यानी कितना हो जाएगा 2026। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये सिंपल है, बस संख्या को 7 से डिवाइड करना है, तो ये वाली जो संख्या है वो 7 से कटेगी, तो यही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन 4,32,000 रुपये में खरीदी, किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रतिवर्ष गिरता है और 2 वर्ष बाद उसने यह जमीन क्यू को बेच दी 25% की गिरावट से, ठीक है। उस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजना आना शुरू हुई, विस्तार के परिणाम स्वरूप स्थावर संपदा यानी कि रियल एस्टेट के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी हुई। जब क्यू ने पी से यह जमीन खरीदी उसके 2 वर्ष के बाद उस जमीन का मूल्य क्या था, तो सिंपली आप ये समझो कि 4,32,000 की जमीन थी, इसमें 25% की गिरावट हुई 2 साल और उसके बाद 2 साल के बाद इसने क्यू को बेच दी और फिर मतलब जो है 50% की उसमें बढ़ोतरी हुई और फिर इसने 2 साल के बाद क्यू से खरीदी, तो आपको इसका प्राइस निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो 25% की गिरावट का मतलब 1/4 यानी कि 4 में 1 की कमी हुई, तो इसका मतलब है हर साल इसका प्राइस 3/4 रह गया। तो कितने साल 3/4 रहा, 2 साल 3/4 रहा, तो इसने इतने रुपये की इसको क्यू को बेची और फिर क्यू के पास जब जमीन आई तो उसमें 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि का मतलब 1/2 यानी कि 2 से प्राइस 1 बढ़ गया, यानी कि 3/2 2 साल बढ़ा और उसके बाद इसने फिर क्यू से खरीद ली, तो इसको कितना पैसा देना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा। तो 4 से काटेंगे 4 × 1 = 4 ना जाने का 0, 4 × 8 = 32, 4 से काटेंगे 4 × 2 = 8 और 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, फिर यहाँ पे 4 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 जीरो है तो 250 आएगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, देखो 27 है और 3 × 9 = 27, तो 27 कितना हुआ आपका 729 और 729 × 3 और उसे 250 से मल्टीप्लाई करो, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 546,750 आएगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, दिया हुआ है कि एक गांव की जनसंख्या 9000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या की गणना कीजिए, 3 साल के बाद आपको जनसंख्या बतानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 12.5% की वृद्धि होती है और 2.5% लोग मर जाते हैं, यानी कि एक्चुअल जो वृद्धि है वो कितनी है 10%, और 10% का मतलब 1/10 यानी कि 10 में 1 की वृद्धि होती है, यानी कि हर साल जो जनसंख्या है वो अपनी 11/10 गुनी हो जाती है। तो 9000 की जनसंख्या थी, 1 साल बाद 11/10 हो गई, फिर अगले साल इसकी 11/10 हो गई और फिर अगले साल इसकी 11/10 हो गई, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 1331 हुआ 11³ और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, 2 = 29, हंसे लगा 2, 9 × 1 = 9 और 2 कितना हुआ 11, यानी कि 11979 होगा, ठीक है, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 3 और पूछा गया आपसे कि 3 और 27 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मैंने कई बार आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि अगर ए बी सी 3 संख्याएं अगर समानुपात में है तो बी क्या होता है, मध्यानुपाती होता है, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी। ये क्यों आता है ये भी बताया,
ये अगर समानुपात में है तो ए बटे बी बराबर होता है बी बटे सी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा ए सी, इस वजह से ऐसा होता है। तो इसका मध्यानुपाती निकालना हमने मान लिया एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 × 27 यानी कि 81, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। इसे आप मौखिक कर सकते थे, यहाँ पे मुझे इसे बताने की आपको ज़रूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हो। यहाँ पे औसत पूछा गया है, तो औसत बराबर क्या होता है कुल योग बटे उनकी संख्या, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे जोड़ दो। देखो 2 और 1 3 3 3 6 6 5 11 11 और 17 कितना हुआ 28, 28 और 11 49 49 और 28 77 और टोटल संख्या कितनी है 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 11, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन, एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया और इसका अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जानी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो 100 रुपये की चीज़ जो है उसका प्राइस कितना कर दिया गया 25% बढ़ा के रखा गया, यानी कि इसका MRP कितना बना दिया गया इसका 125। अब 20% का लाभ कब होगा, जब 100 की चीज़ को आप 120 में बेचोगे, तो भाई कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, 125 की चीज़ अगर आपको 120 में देनी है तो 5 रुपये छोड़ने पड़ेंगे, तो डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है। तो आपको यही निकालना है कि 5 जो है वो 125 का कितना परसेंट है, तो 5 से काटेंगे यहाँ पे 25 आएगा, 25 चक्कू कितना हुआ 100, यानी कि 4% का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो समझ पा रहे होंगे आप। अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू पुट से करो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2a + b बराबर 10 है और 2ab बराबर 9 है और 2a की जो वैल्यू है वो बड़ी है b से। तो अब देखो आप यार 2ab बराबर 9 दिया है, तो 9 एक ऐसी संख्या है, अगर मतलब आप यहाँ पे a का कुछ भी मान ले लो, अगर आप पूर्ण संख्या में लोगे तो 9 नहीं आ सकता किसी जुगाड़ से। 2a का मान अगर आप कंप्लीट संख्या लो और वो भी आपका मतलब जो संख्या है वो 9 के अलावा कुछ नहीं हो सकती, इसका मतलब है 2a बराबर आपको 9 ही लेना पड़ेगा। तो a बराबर क्या होगा 9/2, जैसे मान लेते हैं a बराबर अगर आप 3 ले लो तो किसी भी संख्या पे सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 9 जो होता है वो 3 × 3 होता है, ठीक है, और वहाँ यहाँ पर ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी बन नहीं रही, तो हम कह सकते हैं कि 2a की वैल्यू जो है वो 9 होगी, तभी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 9 + 1 बराबर कितना हो गया 10 और यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि 2a की वैल्यू कितनी है 9 और b की वैल्यू कितनी है 1, तो 9 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक सीधी रेखा AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, AB बराबर 6 PB, तो PQ और BC का अनुपात क्या होगा। तो पहले फिगर बना लेते हैं, इस तरीके से फिगर है AB और C, ये रेखा PQ है जो AB को P पर और AQ को और AC को Q पर काटती है, तो ये थेल्स थ्योरम लगती है यहाँ पे, और थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर ये रेखा इसके समांतर है तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल के समरूप होगा, और अगर ये समरूप होगा तो इनकी भुजाएं जो है वो अनुपातिक होंगी। कौन कौन सी, AP और AB का अनुपात वही होगा जो AQ और AC का होगा, और इसका अनुपात वही होगा जो PQ और BC का होगा, ठीक है, मतलब इसको इसके साथ रिलेट करेंगे, इसको इसके साथ रिलेट करेंगे, इसको इसके साथ रिलेट करेंगे। अब रिलेशन क्या दिया है, AB अगर हम बटे में लाएं PB को तो कितना है 6/1 है, ठीक है, AB/PB यानी कि ये पूरी डिस्टेंस 6 दी है और PB जो है वो 5 दी है, PB जो है 1 दी है, हमें चाहिए क्या है ये वाली डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो रेशियो बता सकते हैं। तो अगर पूरी 6 ये वाली 1 है तो ये कितनी होगी 5, यानी कि ये 5 है और ये 6 है। अब हमें ये वाली भुजा इसकी पता चल गई और बड़ी वाली भुजा पता चल गई, तो PQ भी कितनी होगी आपकी 5 ही होगी और BC कितनी होगी आपकी 6 होगी, यानी कि इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा आपका 5:6, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो समझ पाए होंगे आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है एक कक्षा के 48 छात्रों की ऊंचाइयाँ निम्न तालिका में दिखाई गई हैं। यहाँ पे ये समझने वाली बात है, देखो 48 टोटल छात्र हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे 18, यहाँ पे इस तरीके से बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 12 थे 4 बढ़ के 16 हो गए, यहाँ पे 16 थे 18 हो गए, यानी कि 2 बढ़े, तब यहाँ पे बढ़ के 48 हुए हैं, ये चीज़ आपको समझनी है क्योंकि टोटल 48 दिए हैं। तो उन छात्रों का प्रतिशत क्या है जिनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है, तो टोटल कितने हैं 48,
तो 160 सेंटीमीटर से अधिक वाले कितने, देखो 18 से 33 हुए यानी कि 15 बढ़े, और 33 से 18 हुए 15 बढ़े, यानी कि टोटल कितने हैं यहाँ पे 30। तो 30 का 48 परसेंट आपको बताना है। तो 6 से काटेंगे 6 पंच 30, 6 अठे 48, 4 से काट देंगे 25 आएगा यहाँ पे 2, 75 यहाँ पे 25 पंच 125 होगा, बटे 2 करेंगे तो 62.5 आएगा, यानी कितना आपका आंसर होगा आपका 62.5, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो थी 24 मई की सेकेंड शिफ्ट, इसके हम लोगों ने सारे मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने क्लास को पूरा देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, आपको करना क्या है, सपोर्ट करना है, और जितना आप लोगों का सपोर्ट रहेगा मैं मैथ्स कम्प्लीटली यहाँ पर चाहता हूँ कि फ्री पढ़ाऊँ, और टॉपिक वाइज भी मैथ्स में बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूँगा। तो आपको करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है, उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।